नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करेंगे हाई स्पीड में। और बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट के खिलाफ अगर आपको कोई परेशानी है तो आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत दो तरीके से आप दर्ज करवा सकते हैं, पहली 181 और दूसरी आप ऑनलाइन sampark.rajasthan.gov.in के माध्यम से आप अपनी शिकायत है वो दर्ज कर सकते हैं स्वयं। अब देखिए 181 पे अगर आप कॉल करते हैं और आपको किसी बहाने के कारण आपको ये कह दिया जाता है कि इस डिपार्टमेंट की हमारे यहाँ शिकायत दर्ज नहीं होती, लेकिन आपको बता दें कि आपकी हर परेशानी की शिकायत sampark.rajasthan.gov.in पर, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो, सबकी शिकायत यहाँ पर दर्ज होती है। तो ये आप कैसे कर सकते हैं और अपनी जो भी समस्या उसका समाधान कैसे निकाल सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। देखिए, सबसे पहले आपको 181 पे कॉल करके पता कर लेना, अगर वो आपकी शिकायत दर्ज कर लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो आपको इस वेबसाइट पर आना है जो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस पर आने के बाद में यहाँ पर आपको नीचे दिखाई देगा शिकायत दर्ज करें, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ सूचना वगैरह दी हुई है, आपको कैसे शिकायत करनी है, आपको यहाँ पे पूरी गाइडलाइंस दी गई है। इसके बाद में यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन ग्रीवेंसी, यहाँ पे आपको एक ग्रीवेंसी कोड दिए जाते हैं। सबसे पहले ऊपरी ऊपर यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर डालने हैं। उसके बाद में यहाँ पे सेंड OTP, यहाँ पे अपने मोबाइल नंबरों को वेरीफाई करना होता है। अब जो भी आपके मोबाइल पे OTP आएगी वो यहाँ पे आपको डालने पड़ेंगे। चार अंकों की OTP आती है, उसको आप वेरीफाई कर दीजिए। अब यहाँ पे आपके सामने इस तरीके का जो ये शिकायत वाला है वो ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको शिकायतकर्ता का नाम, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना नाम, उसके बाद में यहाँ पे आपकी शिकायत का विवरण, मतलब आप किस चीज़ के लिए शिकायत करना चाहते हैं। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपने अपने घर के बिजली के मीटर के लिए अप्लाई किया, आपने रसीद ले ली, लेकिन मीटर बिजली विभाग वाले आपका मीटर नहीं लगा रहे हैं, या फिर आपने किसी भी प्रकार का कोई मीटर के अंदर अपने बिल के अंदर किसी नाम का चेंज करवाया, कोई एप्लीकेशन दी, लेकिन उसका समाधान नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पर जो भी आपकी परेशानी है वो लिख देनी है। और यहाँ पे आप 2000 कैरेक्टर तक यहाँ पे आप अपनी जो भी परेशानी है, मतलब आपको क्या परेशानी है, वो परेशानी यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए PDF, JPG, JPEG और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है। आप वीडियो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, मतलब आपके पास उस चीज़ का कोई मतलब प्रूफ है वो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है बस। तो यहाँ पे मतलब हर चीज़ वीडियो वगैरह सब MP4 MP3 यहाँ पे सारे फॉर्मेट अपलोड होते हैं, तो यहाँ पे आपको अपलोड कर देने, लेकिन ध्यान में रहना अधिक से अधिक 25 MB से ज़्यादा का यहाँ पे अपलोड नहीं होता। 25 MB तक की कोई भी फाइल यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये कह रहा है शिकायत पंजीकरण में मदद की ज़रूरत, तो ये मतलब आप यहाँ से पूर्ण रूप से शिकायत नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन है ऊपर, इस प्रक्रिया को मतलब आप जो नागरिक संपर्क केंद्र है वहाँ से आप सहायता भी ले सकते हैं। अगर नहीं चाहते आप डायरेक्ट इसे शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पे नहीं पे आपको नीचे वाले पे क्लिक करके और सबमिट कर देना है, आपकी शिकायत है वो सबमिट हो जाएगी। उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक ग्रीवेंसी कोड आएगा, वो कोड आपको रखना है। जब भी आप दोबारा इस वेबसाइट पर आके आप चेक कर सकते हो कि आपकी जो शिकायत है, तो वो ग्रीवेंसी नंबर जैसे ही लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी शिकायत कहां तक पहुंची है। तो इसी हिसाब से आप किसी भी डिपार्टमेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, आने वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।